सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम के होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ऐसे में वार्ड नंबर 9 से भाजपा के टिकट के दावेदार मनजीत मुकिमपुरिया के टिकट कटने के बाद मनजीत के निवास स्थान पर वार्ड नंबर 9 में आने वाले गांव के लोगों ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें पटेल नगर, जगदीशपुर, बंदेपुर, रारदाना और जाट जोशी के मोजिज लोगों ने भाग लिया और सभी ने पंचायत कर निर्णय लिया कि जिस प्रकार से मनजीत अपने वार्ड के लिए पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। अपने सभी समर्थकों की राय पर मनजीत ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। मनजीत ने कहा कि इस वार्ड में टिकट पाए प्रत्याशी को जनता जानती तक नहीं और वो पिछले कई सालों से इस वार्ड की जनता के बीच में रहकर वार्ड वासियों के काम करते आ रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वार्ड की जनता उन्हें आशीर्वाद देकर निगम में भेजने का काम करेगी। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम। मैं मनजीत अंतिल मुकिमपुर। आज हमारे यहाँ पे राडदाना, जगदीशपुर, जाट जोशी, पटेल नगर, बंदे पर सारी जगह ऐसे मौजूद बड़े बुजुर्ग और छोटे से भी लोग इकट्ठा हुए थे और ये पंचायत इसलिए बुलाई गई थी कि मैं बीजेपी पार्टी से 8 साल से जुड़ा हुआ था और मैंने पार्टी की भी सेवा की, मैं लोगों के भी सुख दुख में रहा, लेकिन पार्टी ने मेरे साथ सरासर नाइंसाफी की। पार्टी ने जो आशीर्वाद मुझे देना चाहिए था वो किसी और को दिया, तो हमारे सभी अपने लोगों में इस चीज़ का विरोध था। सभी ने कहा कि भाई हम इकट्ठा होंगे और आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। तो आज की पंचायत इसलिए बुलाई गई थी और इस पंचायत ने मुझे अपना एक किस्म से पंचायती उम्मीदवार बनाया है। पंचायत में लोगों ने ये फैसला लिया है कि भाई आपको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, ये हमारा अपना लोकल चुनाव है और हम सब आपके साथ तन से मन से धन से हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप पहले आए होंगे तो हमारे पास तो हम तो सिर्फ अपने एक रसूख पर भाईचारे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों ने थोड़ा बहुत चंदा भी हमें सपोर्ट किया है, ठीक है, और हर तरह से हमें मदद का आश्वासन दिया है कि भाई आप आगे बढ़ो, हम इस चुनाव को जीत के दिखाएंगे। अपने वार्ड के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दें। जब इतने अपने पूरे वार्ड के पंचायत ने मेरे को समर्थन दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने सभी लोगों के काम पूरे करवाऊं, सभी की उम्मीदों पर पूरा उतरूं, किसी का मान सम्मान ना घटने दूं और मेरे वार्ड की जो भी समस्या है वे सारी मैं पूरा करूंगा। तो मेरी यही अपील है कि कृपया आप सब मुझे वोट करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद।